हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आपका स्वागत है एके बायो वर्ल्ड में। बच्चों, जैसा कि आप अभी करंटली एक न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें ये बात की जा रही है कि नीट, जेईई मेंस और सीयूईटी एग्ज़ाम एक साथ होंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ बच्चों के हेल्प नहीं कर रहे हैं, इवन वो बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं कि क्या ये एग्ज़ाम एक साथ होगा, सेपरेट होंगे या कैसा पैटर्न रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये जान लो आप लोग कि अभी ये एक सिर्फ प्रपोजल है, जहां पर ये न्यूज़ कहीं पर भी कन्फर्मेटरी नहीं है कि ये सारे एग्ज़ाम एक साथ होने ही हैं। और अगर ये एग्ज़ाम्स एक साथ होंगे तो इनका पैटर्न क्या होगा, इनमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे हम जेई एडवांस के लेवल को, नीट के लेवल को एक साथ लेकर चलेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी न्यूज़ अभी तक कुछ भी नहीं आई हुई हैं और ये कहीं पर भी अपडेट नहीं है कि एग्ज़ाम किस पैटर्न में होगा और क्या होगा। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस वे में, जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस वे में उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो बच्चों, वो सारी चीज़ें, वो सारे रूल्स, वो सारे अपडेट सारे बच्चों पर अप्लाई होंगे, ना कि सिर्फ आप पर। ये जो बड़े यूट्यूबर्स बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बार बार ये बोल रहे हैं कि नीट कैंसिल हो गया, जेई कैंसिल हो गया, तो बच्चों, इतने बड़े एग्जाम्स का इतनी आसानी से मर्ज हो जाना इज नॉट अ इजी टास्क। एक एजेंसी ने सिर्फ ये बात रखी है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो बच्चों, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, सारे बच्चों के लिए होगा। थैंक यू सो मच।